म्यूट योरसेल्फ जब भी लोग हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री, शेयरिंग व्हाइट बोर्ड एंड यू विल कम टू नो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली पोइट्री। तो पोइट्री में हमें ये ध्यान में रखना है कि पोइट्री को दो हिस्सों में बांटा जाता है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री में जब हम बात कर रहे थे तो एक रेटरिक एंड प्रोसोडी का सेक्शन मैंने लिया था, जिसपे 3 लेक्चर मैंने दिया। एक लेक्चर आपका जो है फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर के अभी हाल ही में शेयर किया गया है, और आज एक पोइट्री को लेकर के, खास करके टाइप्स ऑफ पोएम, पोइट्री का जो टाइप्स है उसको लेकर के बात की जाएगी, टाइप्स ऑफ पोइट्री को लेकर के। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पोइट्री। एंड रिमेम्बर दैट व्हेन यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पोइट्री, देन जस्ट गो विद दिस पॉइंट कि ये जो टाइप्स ऑफ पोइट्री है, दिस टाइप ऑफ पोइट्री इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला हिस्सा क्या होता है? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, और दूसरा हिस्सा होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। सो यू फाइंड दीज टू पॉइंट्स की सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। व्हेन एनीवन टॉक अबाउट सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, देन रिमेंबर दैट कि दिस सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री ये जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है, दिस सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री इंक्लूड्स लिरिक कामा सॉनेट कामा लिरिक को इंक्लूड करता है, सॉनेट को इंक्लूड करता है, ओड कामा एलिजी। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स चार चीजें। चार तरह की पोएम सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री में आती है। एक आपका लिरिक है, दूसरा आपका सॉनेट है, तीसरा आपका ओड है, चौथा आपका एलजी है। लिरिक, सॉनेट, ओड, एलिजी, ये चार तरह की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यू हैव टू गो विद व्हाट? यू हैव टू गो विद लिरिक, यू हैव टू गो विद सॉनेट, यू हैव टू गो विद ओड, यू हैव टू गो विद एलिजी। तो व्हेन एवर यू टॉक अबाउट लिरिक, व्हेन एवर यू टॉक अबाउट ओड, व्हेन एवर यू टॉक अबाउट एलिजी, देन रिमेंबर दैट इट्स द पार्ट ऑफ व्हाट? इट्स द पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। अगर इसको सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में रखा गया तो इन चारों में कुछ कॉमन पॉइंट होगा। वह कॉमन पॉइंट क्या है, नोट करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो कॉमन पॉइंट ये होता है कि इसमें क्या होता है, पर्सनल ट्रीटमेंट। यू फाइंड दैट कि जो पोएट है एक्सप्रेसेस हिज इमोशन एंड फीलिंग्स डायरेक्टली इसमें। तो एक तो जो है क्या होता है कि इसमें जो है ट्रीटमेंट इज सब्जेक्टिव, जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट इज सब्जेक्टिव, ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट इज सब्जेक्टिव। जो ट्रीटमेंट है वह कैसा है, वह सब्जेक्टिव है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट लिरिक, वेन एवर वी टॉक अबाउट सॉनेट, वेन एवर वी टॉक अबाउट ओड, वेन एवर वी टॉक अबाउट एलिजी, इट्स द पार्ट ऑफ व्हाट? इट्स द पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। और जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसमें जिस भी चीज को ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट इज सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव से आपका मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिविटी से या सब्जेक्टिव से मतलब यही होता है कि पोएट एक्सप्रेसेस हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स डायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट करके, पोएट
एक्सप्रेसेस हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स डायरेक्टली। जो पोएट है अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को डायरेक्ट एक्सप्रेस करता है, यह दूसरी पॉइंट है। पोएट एक्सप्रेसेस हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स डायरेक्टली। सो दिस पॉइंट यू गेट, दिस पॉइंट यू फाइंड, आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग इट। यहाँ पे चीज क्या होता है, यू पोएट एक्सप्रेसेस हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स डायरेक्टली। इट मीन्स दैट कि देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रीडर एंड द पोएट, उनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और वहां पे जो है, जो उसमें जो होता है, पोएट अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को जब डायरेक्ट अभिव्यक्त करता है, तो व्हाट वी फाइंड, तीसरा पॉइंट वी फाइंड पर्सनालिटी ऑफ द पोएट, जिसको कि टीएस एलियट ने अपोज किया था और वर्ड्सवर्थ ने सपोर्ट किया था, पर्सनालिटी ऑफ द पोएट। ये चीज नजर आती है किसमें नजर आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, पर्सनालिटी ऑफ द पोएट। यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड पर्सनालिटी ऑफ द पोएट, दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट, वेन यू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी ऑफ द पोएट, देन रिमेंबर दैट कि एक्सेप्ट इट देर आर सम अदर थिंग्स आल्सो। पर्सनैलिटी ऑफ द पोएट के बाद, जैसे मैंने बताया कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पोएट एंड द रीडर, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, और इसमें पर्सनैलिटी ऑफ द पोएट नजर आता है। लेकिन इसके अलावा देर आर सर्टेन अदर थिंग्स विच वी हैव टू गो, विच वी हैव टू फॉलो। उनमें से जो अदर थिंग्स है, एक चीज, ये चीज आप देखेंगे कि जहां पे भी पर्सनालिटी ऑफ द पोएट, तो पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादातर क्या चीजें यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये चीजें कवर की जाती है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। नाउ आफ्टर इट वी आर टेकिंग व्हाट, आफ्टर इट वी आर टेकिंग ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। When we talk about objective form of poetry, then remember that there are certain points, there are certain things which we have to do. When you go with this objective form of poetry, you know ki ultimately what comes here. Here you find ballad, you find epic, you find mock epic, you find dramatic monologue. What do we find? We find in objective form of poetry, you will come to know here is what? Here is ballad, here is epic, here is mock epic, and what is? There is a dramatic monologue. Ballad, epic, mock epic, dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग सेम वही चीजें होंगी कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स, तो देन नोट करके आपको एक और चीज ध्यान में रखना, वो कौन सी चीज है, इसमें जो पोयम अभी जो नाम लिया गया ड्रामेटिक
ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलड, एपिक, मॉक एपिक, व्हाट एवर आई टोल्ड यू, इसमें एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है। और वो जो बेसिक पॉइंट है कि ये है कि इसमें चीजों का जो ट्रीटमेंट होता है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में, यू विल कम टू नो। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा या जो चीजें होंगी, वो चीजें क्या होंगी, वो चीजें इम्पर्सनल होगा, नॉट पर्सनल, इम्पर्सनल। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव। थर्ड पॉइंट, इम्पर्सनल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एंड कंसीलिंग ऑफ द CONCEALING, कंसीलिंग ऑफ द पर्सनैलिटी, कंसीलिंग ऑफ द पर्सनैलिटी, और चौथा यू ही शी दे का यूज किया जाएगा। कोई भी बात डायरेक्ट नहीं रखी जाएगी, कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई ना कोई इवेंट सिचुएशन को लेकर के वो चीज रखी जाएगी। तो यू को, ही को, शी को, दे को, इन सब चीजों को लेकर के बात रखी जाएगी। तो इन दिस वे अल्टीमेटली यू कम टू नो अबाउट, इन दिस वे यू कम टू नो कि पोइट्री जो है, जो अंडरस्टैंडिंग पोइट्री है, उसको समझने के लिए पोइट्री को दो हिस्सों में, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में मैंने आपको क्या क्या बताया, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री मैंने आपको ये बताया कि लिरिक है, सॉनेट है, ओड है, एलिजी है। फिर मैंने बताया कि जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है, इसमें सब्जेक्टिविटी होगा, सब्जेक्टिव ट्रीटमेंट होगा, और इसमें पोएट जो है क्या करता है, एक्सप्रेसेस हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स डायरेक्टली, मीन्स देयर इज अ नथिंग इज कंसील्ड बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। पर्सनालिटी ऑफ द पोएट जो होता है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में पर्सनालिटी ऑफ द पोएट नजर आता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब या तो आई होगा या वी होगा, डायरेक्ट वो अपनी बात कहेगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ये अक्सर देखा गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में बैलड है, एपिक है, मॉक एपिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसमें ऑलरेडी बता दिया, इम्पर्सनल ट्रीटमेंट है, इम्पर्सनल, इम्पर्सनैलिटी है, LITY, इम्पर्सनैलिटी है। ऑब्जेक्टिव चीजों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। जो पोएट की पर्सनालिटी होती है उसको छिपाया जाता है, पोएट का प्रेजेंस नहीं, बल्कि कैसे छिपाया, छिपाया जाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करके, यू का या ही का या शी का या दे का या किसी कैरेक्टर का नाम डायरेक्ट लेकर के वो चीज किया जाएगा। तो पोएट अपनी बात को किसी के माध्यम से एक्सप्रेस करेगा, ये चीज नजर आता है। आफ्टर टेकिंग दीज थिंग आई विल टेल यू व्हाट, एक एक दो दो लाइन में मैं आपको सारे टर्म का डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैं डिफिनेशन बताऊंगा वो डिफिनेशन तो ठीक है, अपनी जगह है, बट रिमेम्बर दैट कि उससे रिलेटेड जितने टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड जितने वीडियोस हैं, उस वीडियोस को मैं आपको शेयर करूंगा। वो वीडियोस बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया था पहले लेक्चर में, तब भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि इस वीडियो में ज्यादातर चीजें दे दे रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा जितने टॉपिक है, लिरिक है, ओड है, मॉक एपिक है, एपिक है, बैलड है, जितने भी टॉपिक उससे रिलेटेड वीडियोस के हैं, आई विल शेयर इन द ग्रुप एंड यू हैव टू गो विद ऑल द वीडियो, सारे वीडियोस को आप जाइएगा, उससे रिलेटेड जो नया पॉइंट मिलेगा वो आप क्या करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले जो हम कवर करने जा रहे हैं वो क्या कवर कर रहे हैं, लिरिक को कवर कर रहे हैं। When we talk about lyric, तो ऑलरेडी बार बार बताने की जरूरत नहीं कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। एक लाइन में जो इसकी डिफिनेशन है, सबसे पहला कि द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड लायर, द वर्ड लिरिक केम
द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड लायर कॉमा अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट जो वर्ड लिरिक है या कहां से आया हुआ है, द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड लायर, जिसका मतलब क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये तो एक पॉइंट हुआ लिरिक के बारे में। दूसरा जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि लिरिक इज अ पोयम, एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक इज नोन एज लिरिक। एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक, एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक, विच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक। कोई भी पोयम जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है उस पोयम को हम क्या नाम देंगे, उस पोयम को हम लिरिक नाम देंगे। तो एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक। कोई भी पोयम जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है उस पोयम को हम क्या नाम देंगे, उस पोयम को हम लिरिक का नाम देंगे। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि लिरिक जो है यह आपका क्या है, इट केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर, दैट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा डिफिनेशन मैंने आपको क्या बताया, एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक, उसको आप क्या नाम कहेंगे, उसको आप लिरिक नाम कहेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पीबी शेली, इज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चौथा पॉइंट, टेनिशन रोट लिरिक और रोट लिरिक एट द एज ऑफ 80 81। नेक्स्ट पॉइंट, द टाइगर एंड द लैम आर द ब्यूटीफुल लिरिक्स ब्यूटीफुल लिरिक्स ऑफ विलियम ब्लेक। दिस इज अनदर पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जो लिरिक है ही कंपोज लिरिक एट द एज ऑफ 81, उन्होंने 81 की उम्र में लिरिक को लिखा था। जो लिरिक है इट इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक। ऐसा में पीबी शेली जो है सबसे बड़े लिरिसिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर की बात हुई है, पीबी शेली इज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। टेनिशन रोड लिरिक एट द एज ऑफ 81, इस पर भी बात हो चुकी है। द टाइगर एंड द लैम आर द ब्यूटीफुल लिरिक्स ऑफ विलियम ब्लेक। इसके अलावा जितने भी हैं आपको, विलियम शेक्सपियर भी लिरिसिस्ट रहे हैं, एडमंड स्पेंसर भी लिरिसिस्ट रहे हैं, पीबी आपके उनका क्या नाम है, जो भी सॉनेट लिखा हुआ, चाहे पेट्रार्च रहे हों, चाहे सर टॉमस यार्ट रहे हों, हेनरी हार्डर लव सरे रहे हों, और आपका उनका सर फिलिप सिडनी रहे हों, फिर उसके बाद मेटाफिजिकल पोएट्स, कैरोलिन पोएट्स, इवन जॉन मिल्टन ने भी, दे ऑल हैव कंपोज ब्यूटीफुल लिरिक्स। लिरिक जो कम लिखा गया वो ऑगस्टन और रेस्टोरेशन एज में कम आया, चूंकि उस समय का जो समय था उसमें ज्यादातर जो बातें हुई हैं वो हीरोइक कपलेट में हुई है और ह्यूमन नेचर को लेकर के बात कही गई है, इस वजह से वहाँ पे लिरिक कम रहा है। लेकिन उस समय भी जो प्री रोमांटिक पोएट्स थे उन्होंने खूबसूरत लिरिक लिखा हुआ है।
चौथा पॉइंट ये विल कम टू नो, रोमांटिक एज पूरा लिरिक का ही एज रहा था। विक्टोरियन एज में भी बहुत खूबसूरत लिरिक आए हुए हैं, तो उसमें जो है टेनिशन ने लिखा, और आपका जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग का था, मैथ्यू अर्नॉल्ड का था, टॉमस हार्डी का था, और जो ग्रुप ऑफ जो स्कूल ऑफ पोएट्री रही है जिसका नाम रहा है आपका, यू कैन जस्ट से प्री रेफेलिट मूवमेंट, डी जी रॉस्की, क्रिस्टीना रॉसिटी, ए सी स्विनबर्न, दे ऑल हैव कंपोज ब्यूटीफुल लिरिक्स। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि व्हाट डिड आई टेल यू, आई जस्ट टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ लिरिक्स एंड द सम एग्जाम्पल, बट रिमेंबर दैट कि रिगार्डिंग दिस लेक्चर आई विल शेयर अ वीडियो जहां पे तमाम एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा। ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है, बट योर लेक्चर विल बी कंप्लीटेड व्हेन यू गो विद दैट लेक्चर विच इज ऑलरेडी अवेलेबल लिरिक के नाम से या और तमाम चीजों के नाम से अवेलेबल है, तो वहां से वो चीजें कवर होंगी। तो एक तो ये चीज हुआ लिरिक को लेकर के। दूसरा पॉइंट जो है जो हम लोग और डिस्कस करेंगे वो किसको लेकर के, सॉनेट। सॉनेट के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, उससे ज्यादा जानते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत इस पे बात करना है। कई सारी चीजें, सॉनेट इज अ पोयम ऑफ 40 लाइन, सॉनेट जो है 40 लाइन्स का पोयम है, लेकिन इसके अलावा हमें ध्यान में रखना है कि, और हम बहुत ज्यादा नहीं, इसके जो टाइप्स हैं दो तरह के टाइप्स हैं, एक तो पेट्रोचियन सॉनेट, पेट्रोचियन सॉनेट, और उस पेट्रोचियन सॉनेट में क्या है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, साथ ही साथ आपका राइम पैटर्न जो वहां का है, ए बी बी ए बी बी ए, नॉट कामा, कामा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ऑक्टेव वहां चलता था, तो कामा यहाँ पे आएगा, सी डी ई, सी डी ई, समटाइम्स सी डी सी, ये राइम पैटर्न रहा है वहां का पेट्राचन का। दूसरा जो टाइप ऑफ सॉनेट है वो आपका क्या है, दूसरा टाइप ऑफ सॉनेट आपका शेक्सपियरियन सॉनेट, यस एच ए के ई एस पी ई ए आर ई ए एन, शेक्सपियरियन सॉनेट। इसमें भी बताने की कोई जरूरत नहीं कि यहाँ पे थ्री क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट, COUP, कपलेट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एंड COUP एंड अ कपलेट। ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि क्वार्टर मीन्स 4 लाइन स्टैंजा, कपलेट मीन्स 2 लाइन स्टैंजा, ऑक्टे मीन्स 8 लाइन स्टैंजा, और सिस्टम मीन्स 6 लाइन स्टैंजा, ये पहले ही लेक्चर में बात हो चुकी है। इसका जो राइम पैटर्न है, RHYME, राइम पैटर्न किसका, शेक्सपियर का, ए बी सी डी, सी डी ई एफ जी, ये राइम पैटर्न है। सो रिमेम्बर दैट, इसके अलावा जो है शेक्सपियर ने, जैसे आपको पता है कि 154 सॉनेट लिखा है, और एमोरेटी नाम का सॉनेट एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, हॉली सॉनेट जो है जॉन डन ने लिखा हुआ है, सर फिलिप सिडनी का एस्टॉफेल एंड स्टेला रहा है, और उसके अलावा जो है टॉटेस मिसेलेनी, सर टॉमस यार्ड, हेनरी हार्ड अल्लाह सर ये करा, ऐसे तमाम कलेक्शन ऑफ सॉनेट एंड सम अदर थिंग्स यू विल गेट द पार्टिकुलर लेक्चर विच आई विल शेयर विद यू। तो इसका मतलब कि जितने टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ इन सारे टॉपिक से आपको लेक्चर आज ही शेयर कर दिया जाएगा, वो हो सकता है कुछ छोटे हो, या हो सकता है एक वीडियो में कई लेक्चर हो, इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन आपको वो सारे लेक्चर जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच आपको मतलब ये मुझे थोड़ा सा मैं बताऊं कि मुझे ऑकवर्ड लगा कि कल मैंने क्लास नहीं लिया था, लेकिन अभी तक आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच नहीं कवर किया, ये थोड़ा सा मुझे कुल मिला कि मैं अपने शब्द को मुझे अच्छा नहीं लगा, चूंकि अगर कल नहीं क्लास ली गई थी और आपको पर्याप्त समय मिला था तो आपको उसके साथ कवर करना चाहिए था, हो सकता है आप इसे अन्यथा मिले, लेकिन ये जो है बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है कि आप जो है उस चीज को नहीं लिए, जबकि आपको कवर कर लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। नहीं मैडम, सम पीपल हैव ओनली कवर्ड, वही वही चीजें कहा कि सम पीपल हैव ओनली कवर्ड,
लेकिन जितने अटेंडीज हैं, जो कि जबकि उस जिस समय मैंने लेक्चर दिया था उसी समय मैंने कहा था कि मैं शेयर कर दूंगा, मैंने लेक्चर के खत्म होने के विद इन 2 मिनट मैंने वीडियो को शेयर किया। तो ऐसी कंडीशन में मतलब किसी भी तरह से आपको अपनी एनर्जी को कहीं से भी बेस्ट यूज करना, स्लो अपने आप को नहीं करना। अगर आप स्लो हो गए या इफ यू शो एनी टाइप ऑफ जरा सा भी लेजी या लेथार्जिक सिचुएशन आएगी तो वो चीजें आपको बहुत पीछे ले जाएंगी, वो चीजें पीछे ले जाएंगी। बट रिमेम्बर दैट कि यू हैव टू गो। अब अगर आप आपको आज आज का टास्क मिलेगा कम से कम 10 वीडियो मिल जाएंगे, तो 10 वीडियो इकट्ठा हो जाए, उसमें एक ऑलरेडी पहले इंक्लूड है, 11 हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा चीजें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पैटर्न एक रेगुलर बना करके 4 से 5 आवर्स कम से कम आप हमें दीजिए। ABABCDCDEFEFGG, इट वॉज अबाउट वट, इट वॉज अबाउट शेक्सपियर। बाकी एक और कर्टर सॉनेट जहां तक है, फोर्थ पॉइंट, टेन एंड हाफ लाइन, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। इसके जो प्रोपाउंडर हैं जी.एम. हॉपकिंस हैं, जी.एम. हॉपकिंस। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि व्हाट डिड आई कवर। आई कवर्ड दिस सॉनेट, बट सॉनेट से रिलेटेड मैं और भी चीजें आपको भेजूंगा जहां पे आपको होगा। कुछ फेमस सॉनेट हैं जैसे डडन सॉनेट है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, उसके अलावा तमाम ऐसे सॉनेट हैं जो छोटे छोटे, डबल डस डबल डिस ट्यूमस विद अस विलियम वर्ड्सवर्थ का है, टू मिल्टन 1802 या लंदन करके वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ का है, दिस शैल नॉट बी प्राउड जॉन डन का है, मतलब जो फेमस रहे। शेक्सपियर के नाम से एक सॉनेट जो है मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल दीस थिंग्स, दीस सॉनेट्स यू विल गेट इन माय वीडियो, किसके बारे में क्या है क्या है चीजें वहां पे आपको कवर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई हैव टू टेक दैट इज एलिजी। अबाउट एलिजी जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू ओनली वन थिंग, ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है, लेकिन इसके बारे में एक चीज ये है कि जो अ पोयम कंपोज्ड दिस इज SCOMPOSED, कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग, और द लास्ट ऑफ एनीथिंग। दूसरा चीज जो है, इसमें और कोई बात नहीं करनी, इसके जो टाइप्स हैं डर्ज हैं, मोनोडी है, थ्रिनोडी है एंड पैस्टरल, एंड पैस्टरल। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि अ पोयम कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन, कोई भी ऐसी पोयम जो कि कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन, उसके मौत पर लिखी गई है, और द लास्ट ऑफ एनीथिंग, जो लास्ट ऑफ एनीथिंग है ये ज्यादातर मैथ्यू अर्नाल्ड की एलजी में नजर आएगा। लास्ट ऑफ एनीथिंग यू विल गेट इट वेल, यू विल गेट इट इन द पोयम ऑफ मैथ्यू अर्नाल्ड, बट अ पोयम कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन, ऑन द डेथ ऑफ समवन, ये चीज आपको किस पे नजर आएगा, ऑन द डेथ ऑफ समवन यू गेट इट स्पेशली जो ट्रेडिशनल एलजीज रही है, कोई भी एलजी जैसे लिसिडास है और एडोनाइस है, ब्रेक 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 है, वो कैप्टन माई कैप्टन है, पेस्टोरल एलजी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल थायरिसिस है, और इसके अलावा अभी आपको मैंने बताया था एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है। ऑल दीस थिंग्स यू विल कम टू नो कि पेस्टोरल एलजी जो कंट्री साइड एरिया में सेटिंग होता है जिसका पूरा, और डर्ज जो होता है या टाइप ऑफ एलजी है लेकिन सबसे छोटा होता है, और उसमें जो है क्या होता है कि बहुत ज्यादा दुख की जो तीव्रता होती है बहुत गहरी होती है, बहुत ज्यादा पोयर जो है क्या करता है कि वहां पे अपने दुख को प्रकट करता है, और जो आपका मोनोडी है, मोनोडी इज इक्विवेलेंट टू डर्ज, उसमें वो चीज होता है। तो दीस थिंग्स यू फाइंड अबाउट एलिजी। एलिजी कुल मिला के एक लैमेंटिंग सॉन्ग है, लैमेंटिंग सॉन्ग ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग। सो इन दिस वे आई हैव डन, एंड जस्ट टेल मी इफ यू हैव डन इट, जस्ट टेल मी, बिकॉज आई हैव टू डिलीट ऑल द स्लाइड, तब मैं जाके कुछ कर पाऊंगा। या मैडम मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा।
सॉनेट का रह गया था। मुझे लगता है हमने हमने तो डिलीट कर दिया उसको, क्योंकि पहला स्लाइड तो लिरिक नहीं। मैंने ये कहा मैडम कि वो तो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड मैडम। आई थिंक कि शिवा मैडम वाज आस्किंग समथिंग। कौन सा मैडम पॉइंट आप कर रहे हैं? शिवा मैडम पेट्रोचन सॉनेट का सेकेंड पॉइंट, मतलब पेट्रोचन सॉनेट का सेकेंड पॉइंट राइम पैटर्न। उसका राइम पैटर्न है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई समटाइम्स सी डी सी सी डी, ये उसका राइम पैटर्न। बाकी वो ऑक्टेव और सेस्टेट में है। ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा। एक और पॉइंट बताया गया था, ऑक्टेव में है 8 लाइन, सेस्टेट में उसका डिवीजन है 6 लाइन। ये इतना हिस्सा ऑक्टेव है और ये इतना हिस्सा सेस्टेट। नाउ व्हाट वी हैव टू टेक, नाउ वी हैव टू टेक व्हाट, नाउ वी हैव टू टेक ओड। ओड ओड के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कही गई, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला पॉइंट कि ओड जो है इट्स अ डिग्निफाइड कंपोजिशन, इट्स अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन। दूसरा, इट्स लार्जर देन लिरिक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ पोयम इज लार्जर देन लिरिक। LARGER, इट्स लार्जर देन लिरिक। तो इट्स अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, या सीरियस और डिग्निफाइड कंपोजिशन है, और इट्स लार्जर देन लिरिक, और यह लिरिक से क्या होता है, बड़ा होता है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें कवर करना है। तीसरा पॉइंट, इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस या एड्रेस के फॉर्म में होता है। इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। इट इज एग्जॉल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। इट इज एग्जॉल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल। इन टोन एंड स्टाइल,
इट इज एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल। यह एक नया पॉइंट। इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। एक शब्द ध्यान में रखना है, इट इज एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, एग्जाल्टेड शब्द को ध्यान में रखना है, एंड एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल, ये उसकी खासियत है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज टू टाइप्स। इसके दो टाइप्स हैं, एक आपका ग्रीक इट हैज टू टाइप्स, पहला है पिंडारी कोड, पिंडारी और रेगुलर ओड। दूसरा है होरेशन ओड। पिंडारी कोड या होरेश, तो यू विल कम टू नो व्हाट कि इट हैज व्हाट, इट हैज टू टाइप्स, पिंडारिक और रेगुलर ओड। दूसरा आपका कौन सा ओड है, होरेशन ओड। दीज आर द टू पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर, जो हमें ध्यान में रखना है कि ये चीजें रहेंगी। तो व्हाट डिड आई टेल यू कि आई जस्ट टोल्ड यू कि इसके टाइप्स है पिंडारिक और रेगुलर ओड, होरेशन ओड एंड सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो। सो आई थिंक नाउ यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि पिंडारी कोड को रेगुलर वर्ड इसलिए कहा जाता था कि इसका एक सेट स्टैंजा फॉर्म होता था, जिसको स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, इपोड, उसको तीन हिस्सों में बांटा जाता था, उसी पैटर्न को उसको लिखा जाता था, एक नियम वो चलता था, इसलिए उसको कहा गया हुआ। तो इन दिस वे यू वी हैव गॉन सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में सबसे पहले हम लोग जो लेंगे दैट इज एपिक, रिमेंबर दैट वेन आई टॉक अबाउट एपिक, तो एपिक इज वॉट, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स, अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स। दूसरा पॉइंट, इट हैज ग्रांड स्टाइल एंड एलिवेटेड थॉट। इसका स्टाइल जो है ग्रांड है एंड एलिवेटेड थॉट। थर्ड, इट हैज टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स, पहला आपका ट्रेडिशनल और प्राइमरी एपिक, ट्रेडिशनल और प्राइमरी एपिक। दूसरा, लिटरेरी और सेकेंडरी एपिक। नेक्स्ट पॉइंट, मिल्टन इज नोन किंग ऑफ इंग्लिश एपिक। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो। अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट डिड आई राइट, मैंने पहले एपिक लिया है, उसमें मैंने बताया कि अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इनवर्स, मतलब कि एक तो लंबी कहानी इसमें बताई जाती है, यह एक इसकी खासियत होती है, अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स, वर्स में होगा। और इसकी जो स्टाइल होती है कौन सी स्टाइल, ग्रांड स्टाइल होती है, सब्जेक्ट मैटर भी बहुत बेहतरीन लेके बात की जाएगी, ऐसा कि जिसमें ह्यूमन रेस से या कुछ और प्रॉब्लम्स को लेकर के उसको रखा जाएगा। तो इट हैज ग्रांड स्टाइल एंड एलिवेटेड थॉट, थॉट वोट इसका काफी ग्रेट होता है। ये दो तरह से होता है, ट्रेडिशनल एपिक या उसी को हम प्राइमरी एपिक कहते हैं, दूसरा आपका लिटरेरी और सेकेंडरी एपिक है। मिल्टन इज नोन एज, अगर आप कह सकते हैं, इज नोन एज किंग
किंग ऑफ इंग्लिश एपिक, क्योंकि उनसे बेहतरीन एपिक किसी ने नहीं लिखा है। तो एक पॉइंट ए कि मिल्टन इज नोन एज किंग ऑफ इंग्लिश एपिक, ये चीज किसको कहा जा सकता है, जॉन मिल्टन को कहा जा सकता है। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि उनका पैराडाइज लास्ट है, पैराडाइज रिगेंड है, एपिक आप ये भी जानते हैं, कभी वर्ड्सवर्थ की बात हुई थी द प्रीलूड उसमें आया हुआ था। आज दिस थिंग्स वी नो कि कितने ग्रेट एपिक है, इवन द वेस्ट लैंड को जो मॉडर्न पोयम है उसको भी एपिक की संज्ञा दी गई है। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो व्हाट डिड आई कवर, आई कवर्ड एपिक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई एम गोइंग टू टेक दैट इज मॉक एपिक। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। पहला डिफिनेशन है पैरोडी ऑफ एपिक, दूसरा डिफिनेशन है स्टाइल इज ग्रांड, बट द सब्जेक्ट मैटर इज ट्रिवियल। बट द सब्जेक्ट मैटर इज ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल कॉमा माइनर और ट्रिफल। तो दिस इज अनदर पॉइंट कि उसका जो स्टाइल है वह कैसा, स्टाइल इज ग्रांड बट द सब्जेक्ट मैटर इज ट्रिवियल, सब्जेक्ट मैटर ट्रिवियल है, माइनर है और ट्रिफल है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना। और यह क्या है, पैरोडी है, उसका डुप्लीकेट है। थर्ड पॉइंट रिडिकुलस एटमॉस्फियर, इसमें RIDICULOUS रिडिकुलस एटमॉस्फियर, PHERE। चौथा पॉइंट ALEXANDER, अलेक्जेंडर पोप्स रेप ऑफ द लॉ। इज द बेस्ट एग्जाम्पल, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉ इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड हियर, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड अलेक्जेंडर पोप्स। इफ यू हैव नोटेड इट तो हम आगे चले। व्हेन यू से कि हैवदना को मॉक एपिक, देन रिमेम्बर दैट कि वो एपिक फॉर्म में हो सकता है। जैसे जो डायनेस्ट है, अगर आपको याद होगा, एक द डायनेस्ट करके लिरिकल ड्रामा रहा है, टाइटल एपिकल मैनर में लिरिकल ड्रामा रहा है, वो किसका रहा है, वो आपका जो है इनका हार्डी का रहा है। तो जब आप हैवदना को मॉक एपिक कहा जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक एपिक के स्टाइल को या एक एपिकल एटमॉस्फेयर को उसने लिया हुआ है, बट मतलब द नेचर ऑफ दैट प्ले इज एपिकल एंड स्पेशली मॉक एपिक का नेचर है। लेकिन एपिक जो होगा वो जो है उसके साथ एक कंडीशन ये है कि उसका जो स्टाइल हो ग्रांड स्टाइल हो और साथ ही साथ वह वर्स फॉर्म में हो, और जो हैवदना है वह वर्स फॉर्म में नहीं, दैट्स अ प्ले। लेकिन उसके जो इनका जो सीपी आई थिंक सीपी मिश्रा जी का, चंद्र प्रकाश जी का एक क्वेश्चन है, और वो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और उसको आप ये जरूर कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट उसके लिए ये वर्ड नहीं कहेंगे कि वो मॉक एपिक, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉक एपिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉक एपिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया है, ना कि हम उसके लिए डायरेक्ट वर्ड यूज करेंगे मॉक एपिक। नाउ आफ्टर टेकिंग मॉक एपिक, जस्ट टेकिंग बैलेट, बैलेट अ शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी इन वर्स, अ शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी इन वर्स,
क्वेश्चनिंग आंसरिंग स्ट्रक्चर। बैलेट में ज्यादातर आप देखेंगे कि क्वेश्चन और आंसर किया जाता है, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट एब्रप्ट स्टार्टिंग। एब्रप्ट का मतलब होता है सडन स्टार्टिंग विदाउट मेकिंग एनी बैकग्राउंड, वी विल कम टू नो इट स्टार्ट सडनली। एब्रप्ट स्टार्टिंग। फोर्थ पॉइंट एब्रप्ट स्टार्टिंग, सडन स्टार्टिंग। एक सेट स्टैंडर्ड फॉर्म। सेट स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या है? क्वाट्रेन। ज्यादातर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्वाट्रेन में होता है। फिफ्थ इट हैज टू टाइप्स। टाइप्स पहला आपका लिटरेरी बैलेट, जैसे जान कीट्स का लाइबिलिटी एंड सन्स मर्सी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी बैलेट। दूसरा ट्रेडिशनल और ओरल। ट्रेडिशनल या ओरल बैलेट होता है, उसकी कहानी पहले से, कैरेक्टर्स वगैरह सब पहले से मौजूद होते हैं, लोग उसको जबानी रटते रहते रहते हैं एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो इस तरह से जो है चेवी चेस था और भी जो है उसका आप देखेंगे वो ट्रेडिशनल बैलेट का एग्जाम्पल है। एंड यू विल कम टू नो कि लिटरेरी बैलेट, ट्रेडिशनल बैलेट और ओरल बैलेट, ये सब बैलेट के टाइप्स हैं जहाँ पे हम इसको देखते हैं। बट नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि वेन यू गो लिटरेरी बैलेट, वेन यू गो ट्रेडिशनल बैलेट, तो एक लिटरेरी बैलेट का एक और एग्जाम्पल है, दैट इज आपका राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाई एस टी कॉलरिज। तो वो सब चीजें हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स आपको उसमें मिलेंगे। लेकिन कुछ इसकी मैं पॉइंट फिर से बता दूं कि बैलेट जैसे एपिक जो है लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी होता है, वैसे बैलेट क्या होता है? शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी है, जिसमें छोटी सी कहानी चलती है। जैसे देखेंगे ला बेली डेम सांस मर्सी में, देयर इज अ लव अफेयर बिटवीन नाइट एंड फेरी। तो उसके साथ क्या हुआ, कैसे फेरी ने उसको चीट किया, कहाँ कोल्ड हिल साइड ले गई, ये सारी चीजें हम पाते हैं। और ये भी कहाँ किसमें होगा, वर्स में लिखा होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। एपिक के बारे में कहा गया कि लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स, मतलब एपिक भी वर्स में होगा, बैलेट भी शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी लेकिन वर्स में होगा। इसकी एक खासियत ये होती है कि इसमें क्वेश्चनिंग और आंसरिंग स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन और आंसर पूछा जाता है। आप देखेंगे कि लवेल टाइम सास मर्सी में भी क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट नाइट एल जी, आपके दुख का कारण क्या है। एब्रप्ट स्टार्टिंग है, सडन स्टार्टिंग होती है, सेट स्टैंजा फॉर्म क्वार्टरेन में चलता है, इट हैज टू टाइप्स, उसका दोनों मैंने बता दिया, लिटरेरी बैलेट और ट्रेडिशनल या ओरल बैलेट, ये सारी चीजें। और कभी कभार इसमें हमने देखा कि रिफ्रेन भी पाया जाता है, रिफ्रेन दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट होगा रिफ्रेन। मेडिवल सेटिंग, रिफ्रेन क्या होता है कि जब कोई एक वर्ड, एक लाइन किसी स्टैंजा का बार बार रिपीट किया जाता है तो उसको रिफ्रेन कहा जाता है, REFRAIN। जैसे एक लाइन उसमें बार बार रिपीट की गई है, व्हाट वो नाइट व्हाट आई एल ली, आपके दुख का कारण क्या है। या जैसे हम लोग अल्लामा इकबाल का तराना पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उस पूरी पोयम में ये लाइन रिपीट की गई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेट मी कवर द लास्ट पॉइंट। द लास्ट पॉइंट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग या गिव मी 1 मिनट।
आलिवा अभी तुम चाय के लिए तो बात बाबा कह रहे हो बात कर जा। तो व्हाट वी से की ड्रामेटिक मोनोलॉग जो आपका है उसमें वी फाइंड दिस पॉइंट्स एंड व्हाट डू वी फाइंड अल्टीमेटली फोर आर फाइव पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट की ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड दिस ड्रामेटिक मोनोलॉग यू विल कम टू नो दैट हाईली सिग्निफिकेंट। इसमें जो होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो एक अटाई दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स की हियर इज व्हाट सेल्फ रिविलेशन REVELATION। दूसरा पॉइंट सेल्फ रिविलेशन के अलावा इसमें खुलासा करना अपने बारे में, जो कैरेक्टर होगा वह अपने मन की बात को अंदर की बात को निकालेगा। इट हैज अ सिंगल स्पीकर, इट हैज अ सिंगल स्पीकर हु स्पीक्स थ्रू आउट द पोयम। सो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल्फ रिविलेशन है, वह खुद से चीजों को रिविल करता है। सेल्फ रिविलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें ज्यादातर साइकी या ह्यूमन नेचर को लेके जो दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर होगा, इट हैज अ सिंगल स्पीकर, इसमें एक सिंगल स्पीकर होगा हु स्पीक्स थ्रू आउट द पोयम और पूरे पोयम में वही बात करेगा और उसके माध्यम से दूसरों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग सेल्फ रिविलेशन, इट हैज अ सिंगल स्पीकर हु स्पीक्स थ्रू आउट द पोयम, दिस थिंग वी फाइंड। इफ यू हैव नोटेड इट तो आई वुड लाइक टू डिलीट वन स्लाइड। ओके, दैट इज ड्रामेटिक लिरिक, दोनों में डिफरेंस है। ड्रामेटिक लिरिक रॉबर्ट ब्राउनिंग का सारा पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे ये चीज रहा है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि जब वो स्पीकिंग करेगा तो अदर कैरेक्टर जो होंगे दे विल रिमेन लिसनर, दे विल नॉट स्पीक, दे विल मम साइलेंट, ओनली दे विल लिसन, वे केवल लिसनर का काम करेंगे। और ये चीज जो है कहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, माई लास्ट डचेस है। माई लास्ट डचेस में जो स्पीकिंग का काम करता है वो कौन करता है, माई लास्ट डचेस में ड्यूक स्पीकिंग का काम करता है, पूरे पोयम वही स्पीक करेगा। डचेस की प्रेजेंस है लेकिन डचेस विल नॉट स्पीक इन अ सिंगल वर्ड। और जो शादी का प्रपोजल लेकर के जो मैसेंजर आया हुआ नेबरिंग किंग का प्रपोजल लेकर के, वो भी मम रहता है। तो हु स्पीक्स, ओनली अ कैरेक्टर स्पीक्स एंड हु इज दैट कैरेक्टर, दैट इज आपका ड्यूक है। ऐसे यूलिसिस अगर आप लेंगे जो टेनिशन ने लिखा, दैट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, हु स्पीक्स, ओनली यूलिसिस स्पीक्स, उसकी वाइफ पेनिलोप वो एकदम से बिल्कुल जो है मम और साइलेंट है। जो उसका सन के बारे में जिक्र करता है टेलीमेकस, वो भी एक शब्द नहीं बोलता। जो उसके इक्वल पीयर्स हैं, जो उसके साथी हैं जिनके साथ वो जा रहा है कि टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द मोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, उसको उस पर भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो एक ही कैरेक्टर होगा जो स्पीकिंग का काम करेगा और जब वो स्पीकिंग करता है तो अदर कैरेक्टर के बारे में अपनी ही बातों से बताता है, उनका तारुफ कराता है और वह जो है क्या होता है, खुद का सेल्फ रिविलेशन होता है, वह अपनी चीजों को रिवील करता है। आई थिंक यू गॉट इट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग इज किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, और रॉबर्ट ब्राउनिंग इज किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, DM कर दिया गया ड्रामेटिक मोनोलॉग, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और उसका टाइप है, दैट इज ड्रामेटिक लिरिक। ड्रामेटिक लिरिक में पोएट हिमसेल्फ इज अ स्पीकर, या इसी का एक टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन स्पीकर नहीं होगा बल्कि कौन होगा, पोएट इज स्पीकर, पोएट इज स्पीकर, जो पोयम कंपोज किया होगा वही स्पीकर होगा। दूसरा चीज, एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, टिंटन अवे, तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। टिंटन अवे जो पोयम है, उस पोयम में जो स्पीकिंग का काम किया हुआ किसने किया हुआ, वर्ड्सवर्थ ने।
वहां पे लिसनर के लिए कौन है, उनकी सिस्टर है। तो देखिए एक चीज आप समझिए कि चाहे ड्रामेटिक लिरिक होगा चाहे ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा, उसमें एक समानता है। वो समानता क्या है कि दोनों में एक स्पीकर होगा, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होगा वह कोई थर्ड पर्सन होगा, पोएट नहीं होगा। ड्रामेटिक लिरिक में जो स्पीकर होगा वह पोएट खुद होगा। दूसरा एक और समानता है कि दोनों में लिसनर होंगे, वो स्पीकर नहीं, दोनों में क्या होंगे, लिसनर होंगे। वो लिसनर क्या, लिसनिंग का काम करेंगे। जैसे टिंटन अबे में पूरी पोयम में कौन बोलता है, आपका वर्ड्सवर्थ बोलते हैं, और उनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ लिसनर का काम करती है। तो आई थिंक नाउ यू गॉट इट। नहीं, when we say कि is it the part of, या meet you sir, when we say is it the part of subjective form of poetry, then remember that कि it is M. H. Abrams says it's the type of dramatic monologue. Neither it is the part of subjective form of poetry nor objective form of poetry, it's the type of dramatic monologue. Dramatic monologue का एक अदर टाइप है। So I think now I have to conclude because I have to go somewhere. Just concluding this session. Now we have 26 attendees. Can't take any question or any other thing, but just sharing some videos. You have to go with that video. Yeah, Rama, I could not take your class in morning even. I thought that today I will start. लेकिन मैं पता नहीं कौन सा ऐसी मतलब वो दवा खा लिया था कि इतना ज्यादा मैं नींद में था कि मैं उठ नहीं पा रहा था। तो जस्ट या आई कुड नॉट टेक इन मॉर्निंग। अभी मैं समझिए कि मैं सो करके तो करीब 12 12:30 बजे 8 बजे का मॉर्निंग में सोया था, 12:30 बजे उठा हुआ था। थोड़ा सा इस समय कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है फैमिली में, थोड़ा सा कोविड वगैरह का मामला है, तो इसकी वजह से बहुत रेगुलरिटी नहीं हो पा रही आपकी क्लास को लेकर के। बट सिंस टूडे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल, तो Either today at 8 PM or tomorrow, I will adjust it. I will adjust it. Literary theory and criticism का जो क्लास है उसकी बात है। ठीक, ओके ओके।